गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट टाइप की चीज शेयर करने वाली हूँ। तो वो क्या है, आप जानते हो कि मेरे चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों के ऊपर बने हुए हैं। दिन से आप ड्राइंग्स देखे जा रहे हो, पेंटिंग्स देखे जा रहे हो, पोर्ट्रेट्स देखे जा रहे हो। इतने दिन हो गए मैंने कुछ क्राफ्ट वगैरह नहीं किया। तो पेंटिंग करते करते मैंने देखा, ये जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड आप देख सकते हो, जिसके पीछे मतलब जिसके आगे बनाती हूँ, आप लोगों को एक बात शायद पता नहीं है कि ये मेरा खुद का रूम है और स्टूडियो नहीं है अभी। तो मैं खुद का स्टूडियो जल्दी बनाऊंगी, अगर आप लोग मुझे 1 मिलियन तक पहुंचने में, तभी मैं मेरे खुद का स्टूडियो बना पाऊंगी जिसमें और अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी। ये बैकग्राउंड जो है मैंने इसको बहुत दिन पहले डेकोरेट करके रखी थी, बट देख सकते हैं कि इसका एकदम मतलब पूरी हो गए हैं, तो दिखा भी नहीं जा रहा है मुझसे, इतना हालत इसका ख़राब हो रहा है। और पोर्ट्रेट्स वगैरह में कमीशन वर्क में मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से मैं इसको ध्यान नहीं, मैंने सोच रखा था कि इसको किसी ना किसी दिन मैं इसको सही करूँगी, तो फाइनली आज वो दिन है जिस दिन मैं इसको सही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जब तो कैसे करूँ, आपके साथ शेयर भी कर दूँ। अगर आप लोग अपने घर को ऐसे ही डेकोरेट करना चाहते हो आप चीज़ों से, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी चलो शेयर कर लेते हैं। तो चलते हैं कि मैंने इसको कैसे किया है पूरी तरीके से। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस, किसी भी अगर आप झाड़ पोछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको एक मक्स की, मतलब ये जो मार्क्स के टाइम में देखे होंगे, मार्क्स बहुत सारे तो मेरे पास थे, तो ये मार्क्स आप पहन लेना। अगर आपके पास मार्क्स ना, कुछ रुमाल कपड़ा कुछ नहीं, अपने नाकों पर बांध लेना ताकि धूल ना लगे। तो मैंने पोछा लिया है, इसमें थोड़ी हैंड वॉश मैंने इसमें लगा लिया है ताकि मिट्टी है उसे साफ करने में मुझे आसानी हो। इधर सभी पड़ेगा, खोलना पड़ेगा वरना यहाँ क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो चलो एक देखिए, फाइनली मैंने क्लीन कर ली। आपको बताऊंगी, सबको यकीन नहीं होगा, मैंने पता नहीं कहाँ सेलोटेप लगा कर रखा था। बाप रे बाप, मुझे खोलने में मतलब आधे घंटे से भी ज्यादा लग गया। छोड़ो, कोई बात नहीं, फाइन, फिलहाल क्लीनिंग तो हमें करनी है। तो चलो ये पोछा ले लिया, अब क्लीन करते हैं। ये एक इसमें शैम्पू है, वाटर शैम्पू और वाटर मिक्स करके इसमें स्कॉच ब्राइट लगा करके मैं आई हुई हूँ। पूछा है इसको मिक्स करके इसके मैल खोलना पड़ेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो फाइनली क्लीनिंग कंप्लीट होता है हमारा इधर, और फिर हम बढ़ते हैं हमारी फास्ट DIY की तरफ। जो है, जो पिछले वीडियो में मैंने इसको शेयर किया था, आपने अगर देखा नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये वही डेकोर है, मैंने यहाँ अलग से कुछ नहीं बनाया है, पहले की तरह से ही मैंने बनाया है। वो वही चीज़ ही है, एक जो लेटर की जो कोर्स मैंने बनाई थी वही है, उसको थोड़ी अलग मेथड से मैंने यहाँ पर बनाई, क्योंकि पिछली वाली ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इसलिए। और फिर मैंने ये एम लेटर का डेकोर बनाया, उसको अच्छे तरीके से फ्रेम किया, क्योंकि पिछली वाली फ्रेम भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। फिर यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिया था DIY के लिए, टिश्यू पेपर में पिंक और पर्पल कलर मिक्स करके एक हार्ट शेप वाला वॉल डेकोर पेस रेडी किया। पहले मैंने सोचा था कि पूरी फिल करूँगी, पर देखा पूरी फिल करने के लिए मेरे पास उतना ज़्यादा टिश्यू पेपर नहीं है, इसलिए मैं हाफ फिल करके इसको बाकी जगह पे ब्लैक कलर कर दी हूँ। और ये पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, अब दिख रहा है कुछ ऐसा, तब कमेंट में बताना कैसा दिख रहा है अब। और इस तरह की DIY और पेंटिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।